दुख और कष्टों का नाश होता है जिसके हृदय और घर में हनुमान जी का वास होता है। जी बिल्कुल, अगर आपके घर में हनुमान जी का चित्र रखा हुआ है तो आपके जीवन के कई संकट तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं। पर ये नहीं कि कहीं भी चित्र रख देंगे तो भगवान की कृपा होने लगेगी। इसलिए संकट मोचन हनुमान का चित्र कहाँ लगानी चाहिए और कहाँ नहीं, और सबसे जरूरी कि कौन सा चित्र लगाना चाहिए, ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और अगर इस बारे में नहीं पता है तो पूरी वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में हनुमान जी का चित्र होता है वहां मंगल, शनि, पितृ और भूत आदि का दोष नहीं रहता। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस दिशा में लगाएं हनुमान जी का चित्र। वास्तु के अनुसार हनुमान जी का चित्र हमेशा दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लगाना चाहिए। ये चित्र बैठी मुद्रा में लाल रंग का होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हनुमान जी का चित्र इसलिए अधिक शुभ है क्योंकि हनुमान जी ने अपने प्रभाव सर्वाधिक इसी दिशा में दिखाया है। हनुमान जी का चित्र लगाने पर दक्षिण दिशा से आने वाली हर बुरी ताकत हनुमान जी का चित्र देखकर लौट जाती है। इससे घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। हनुमान जी का शक्ति प्रदर्शन वाला चित्र। अगर आपको लगता है कि आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का असर है तो आप हनुमान जी का शक्ति प्रदर्शन की मुद्रा में चित्र लगाएं। पंचमुखी हनुमान का चित्र। वास्तु विज्ञान के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति जिस घर में होती है वहां उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। आप चाहें तो ये चित्र मुख्य द्वार के ऊपर लगा सकते हैं या ऐसी जगह लगाएं जहां से ये सभी को नजर आए। ऐसा करने से घर में किसी भी तरह की बुरी शक्ति प्रवेश नहीं करेगी। इसके अलावा गलत दिशा में पानी की व्यवस्था हो तो वास्तु दोष दूर करने के लिए उस भवन में ऐसे पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाना चाहिए जिसका मुख उस जल स्रोत की ओर देखते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ हो। श्री राम दरबार की फोटो। ड्राइंग रूम में श्री राम दरबार का फोटो लगाएं, जहां हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में बैठे हुए हैं। इसके अलावा बैठक रूम में पंचमुखी हनुमान जी का चित्र, पर्वत उठाते हुए हनुमान जी का चित्र या श्री राम भजन करते हुए हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। पर्वत उठाते हुए हनुमान जी का चित्र। अगर ये चित्र आपके घर में है तो आप में साहस, बल, विश्वास, जिम्मेदारी का विकास होगा। आप किसी भी परिस्थिति से घबराएं नहीं। हर परिस्थिति आपके समक्ष आपको छोटी नजर आएगी और तुरंत ही उसका समाधान हो जाएगा। उड़ते हुए हनुमान का चित्र। अगर हनुमान जी की ये वाली तस्वीर आप घर में रखते हैं तो आपकी उन्नति, तरक्की और सफलता को कोई नहीं रोक सकता। आप में आगे बढ़ने के प्रति उत्साह और साहस का संचार होगा। निरंतर आप सफलता के मार्ग पर बढ़ते जाएंगे। श्री राम भजन करते हुए हनुमान। यदि ये चित्र आपके घर में है तो आप में भक्ति, विश्वास का संचार होगा। ये भक्ति और विश्वास ही आपके जीवन की सफलता का आधार है। तो वहीं आपको बता दें कि कौन सी जगह पर हनुमान जी का चित्र नहीं लगाना चाहिए। शयन कक्ष में न लगाएं हनुमान चित्र। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और इसी वजह से उनका चित्र शयन कक्ष में न रखकर घर के मंदिर में या किसी अन्य पवित्र स्थान पर रखना शुभ रहता है। शयन कक्ष में रखना अशुभ है। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।